अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बोट नेक की कटिंग स्टिचिंग सिखाऊंगी। पहले हमने हार्ड पेपर के ऊपर एक पट्टी की शेप में मार्क करना है। हार्ड पेपर को हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है। ऐसे हम इसे फोल्ड करके इसके ऊपर पट्टी बनाएंगे। नीचे से हम इसकी गुलाई करेंगे, ऊपर हम इसका कॉर्नर बनाएंगे। ऐसे हमने ऊपर इसकी नोक बना लेनी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमारी पत्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसको साइड पर रखेंगे। पहले हम नेक का मार्क करेंगे। नेक की विड्थ हम लेंगे 4.5 इंच, इसकी लेंथ हम लेंगे 4 इंच और इसे हम ऐसे राउंड करेंगे। अब हम ये पट्टी लेंगे, इसको हम ऐसे फोल्ड करके पहले हमने इसे दरमियान में रखना है। ऐसे रख के हम इसे बाहर की तरफ से मार्क कर लेंगे। अब हमने इस पत्ती को खोल लेना है। 1 इंच के फासले पर हमने इसको रख के दोबारा मार्क करना है। उतने ही सेम फासले पर रख के हमने इसको फिर मार्क करना है। अब हमने इसे बाहर की तरफ से भी राउंड करना है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। जहाँ से हमने मार्क किया है उसके ऊपर ही हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब हम इसे बाहर की तरफ से भी कटिंग कर लेंगे। नेक के दरमियान में हम नोचिस लगाएंगे और इसे हम शर्ट के ऊपर प्रेस कर लेंगे। ये नेक को मैंने शर्ट के ऊपर प्रेस कर लिया है। अब हम ये फैब्रिक लेंगे, इसको हम ऐसे खोल के नेक इसके ऊपर रखेंगे। ऐसे रख के हमने बुकरम के साथ साथ इसे स्टिच करना है। शर्ट के ऊपर नेक लगाने से अच्छी फिनिशिंग आती है। ऐसे हमने सारे नेक को बुकरम के साथ साथ ही स्टिच कर लेना है। अब हम नेक की अंदर की तरफ से कटिंग करेंगे। इसके दरमियान में हम नोचिस लगा लेंगे।
इधर से हम एक कट लगाएंगे और इसका हम एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। इसके दरमियान में भी हम नोचेज लगा लेंगे। सेम इसी तरह हमने इस तरफ भी कटिंग कर लेनी है। इसके दरमियान में भी हम नोचेज लगा लेंगे। ऐसे हमारा नेक आसानी से सीधा हो जाएगा। अब हम नेक को सीधा कर लेंगे। ऐसे सीधा करके हम इसके कॉर्नर निकालेंगे। ये देखिए नेक को मैंने सीधा करके इसको प्रेस कर लिया है। अब हमने ऊपर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक उतार लेना है। ऐसे हम फैब्रिक को ऊपर करके इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम ऊपर वाले फैब्रिक को ऐसे राउंड कर लेंगे, जो हमारा नेक है उसके बराबर ही हम ऐसे राउंड करेंगे। अब हमने जो मार्क किया है इसके ऊपर ही हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक के बाहर की तरफ से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है फोल्डिंग के लिए। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसे हम प्रेस करके इसकी तुरपाई करेंगे। ये नेक की तुरपाई मैंने कर ली है। ये देखिए नेक शर्ट के ऊपर लगाने से माशाल्लाह कितना फिनिशिंग के साथ बना है। अब हम इसको इस तरफ रखेंगे। इस तरफ रख के हम इसके कॉर्नर पर पर्ल स्टिच करेंगे। ये मैंने नीडल में थ्रेड डाल लिया है। इसके कॉर्नर पर हम नीडल गुजारेंगे। अब हम एक पर्ल्स लेंगे, इसको हम नीडल के अंदर डालेंगे। ऐसे डाल के हमने दूसरे कॉर्नर पर ऐसे पक्का कर लेना है। ऐसे हमने पर्ल्स को अच्छे से पक्का कर लेना है। सेम इसी तरह हम इस तरफ भी पर्ल्स स्टिच करेंगे। ऐसे करके हमने सारे कॉर्नर पर पर्ल स्टिच कर लेने हैं। देखिए नेक मेरा बन के रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।